वो निकल गई। पानी बहुत चल रहा है भाई, अधिक यहाँ से निकलो जल्दी, पहिया ही टूट गया है भाई, ट्रैक्टर का पहिया ही टूट गया है बीच रोड पे। देखो भाई यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ से बारू जाती है रेतिया जो घर बनते हैं, यहाँ पे ये इकट्ठा होता है। देखो बहुत सारी बारू है, उधर ऊपर जेसीबी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, ठीक ही होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग कर रहे हैं मथुरा से स्टार्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे रात में आया था, मेरा ब्लॉग करने का कोई मूड नहीं था, मैं कैमरे को बस रख के ले आया था, तो सोचा जाते समय एक ब्लॉग बनाए। तो अभी हो रहे हैं देखो 8:18, अभी पहुँचना है मेरे को वृंदावन। अभी वृंदावन है यहाँ से 16 किलोमीटर, 8:19 हो रही हैं, तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं यहाँ से 16 किलोमीटर को क्रॉस करते हैं। निकलने तो भाई, ओ एक पहिए पे चल रहा है, दो पहिए पे चल रहा है सॉरी ट्रैक्टर जो है, देखो ये देखो, अरे वाह पता चल रहा है ये क्या हुआ, पहिया ही टूट गया है भाई, ट्रैक्टर का पहिया ही टूट गया बीच रोड पे। जय मार्ट, सो गाइस अभी तो हम मार्ट ही पहुंचे हैं, मथुरा से आगे पड़ता है ये मार्ट, हम पीछे की साइड में जा रहे हैं वृंदावन। देख रहे हो ज्यादा पावर नहीं लेंगे, पता चली पावर के चक्कर में हम गए। तो भाई चलाते हैं थोड़ी सी इसको, मन कर रहा है चलाने का, तो ज्यादा नहीं चलाएंगे, सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, कंट्रोल में चलाएंगे। लेकिन ये देखो गाँव आ गया, स्लो करते हैं। तो गाइस अभी जमुना आने वाली है, देखते हैं वहाँ पे ब्रिज है कि नाव है। वैसे बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो पुल टूटा नहीं हुआ, जो टूट जाता है ना बारिश पड़ते समय, टिप्पे वाला पुल है। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या मिलेगा हमको, नाव या ब्रिज। देखो भाई यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ से बारू जाती है रेतिया जो घर बनते हैं, यहाँ पे ये इकट्ठा होता है। देखो बहुत सारी बारू है, उधर ऊपर जेसीबी है, सामने आगे जाके जमुना जी है, वहाँ से ये भर के लेके आते हैं। तो निकलते हैं भाई, यहाँ तो फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है यार, बारू इतनी ज़्यादा डली है, बहुत देख रहे हो कितनी ज़्यादा बारू डली है भाई, बहुत बारू है यहाँ पे, कोई कैसे चला सकता है यार बिना हेलमेट चला के, कोई नहीं चला सकता है। ये क्या करो थोड़ी सी भाई, कितनी ज़्यादा गिट्टी है, गाड़ी एक पीछे से फिसल रही है, पहिया जो है गिट्टियों पे से एकदम से फिर रहा है। देखो पुल है भाई, पुल चालू है यहाँ पे ब्रिज। एक बार मेरी बाइक गिर गई थी यहाँ पे रात में, मैं आया था जब मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था, ऐसे ही घूमने के लिए आया था बस, तो यहाँ पे बारिश पड़ी हुई थी, तो इतनी ज़्यादा कीच कच्चड़ हो गया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इस जगह पे मेरी बाइक यहाँ पे फिसल गई थी भाई, इस पट्टे पे चढ़ने से पहले थोड़ा सा हैंडल टेढ़ा हो गया था बाइक का, फिर सही कराया है।
ये चेक करो गाइस, आ गए अभी हम वृंदावन में, एंट्री कर चुके। पानी बहुत चल रहा है भाई, अब देख यहाँ से निकलो जल्दी। ये देखो भाई, ये है, जब पुल टूट जाता है ना तो ये स्टीमर चलता है यहाँ पे। ये देख रहे हो सामने स्टीमर है, नाव वगैरह है तक। ओ भाई रेत में दे दी मैंने बाइक। ओ भाई फिसल गई होती। ओ तो वैसे यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे जो केसी घाट है। नहीं नहीं बोट नहीं जाना भाई, ये लोग नहा रहे हैं भाई जमुना जी में। अभी अपने यहाँ पे ऐसा ही कांड हो गया था, दो बंदे एक्सपायर हो गए भाई जमुना जी में ही। तो भाई हम तो जमुना जी से दूर ही रहेंगे, तो चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा काम है उसको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। इधर चेक करते हैं क्यों बे, कहाँ ढूंढ रहा मैं, दिखा 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 तो सही ना, रिकॉर्डिंग बंद है, रिकॉर्डिंग बंद है, इधर तो आ। सो गाइस निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मिल गए थे अपनी जान पहचान के, तो निकलते हैं यहाँ से, ऊपर चढ़ाते हैं पहले बाइक को रोड पे। ये आ गए भाई वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये गौशाला है भाई वृंदावन की, जो आपने देखी होगी सुना भी होगा शायद, और यहाँ पे अंदर जा कर के सुदामा खुटी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो भाई ये वृंदावन का बाजार, बाजार देखिए, और आगे चलते हैं, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। हटो हटो हटो, यहीं से चलते हैं। देखा तो पूरा वृंदावन है भाई मैंने, एक एक गली, तो खोने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं है यहाँ पे, गलत जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। हटो हटो भाई हटो। तो भाई मैं लगाता हूँ अभी टाइम 9:06 हो रही हैं, अभी मेरे को पहुंचना सीधा आगरा, तो देखते हैं स्टॉप भी लेंगे कहीं छोटा सा। ये चेक करो भाई, ओ भाई डम्बू पूरा लहरा दिया यार। मेरी बाइक कहने की आदत बहुत बढ़िया है कि गंदी है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं सभी को अपना भाई समझता हूँ, तो इसीलिए मेरे मुंह से भाई निकलती है भाई। तो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा आपने भाई भाई, तो इसीलिए ही है वो भाई का शब्द, क्योंकि आप लोग जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाइयों वाला संबंध रखते हैं आप लोगों से, इसीलिए भाई होता है भाई भाई। तो कभी ये मत कहना कि तुम यार क्या भाई भाई करते रहते हो, ठीक है? तो चलते भाई, ये देखो
ये चक्कर भाई। निकल गई ये चक्कर भाई। ये भाई वो क्या कर रहा है दोस्त, निकालो निकालो। तो पावर ब्रेक है भाई, इस ब्रेक अच्छी ब्रेकिंग है। इस हिसाब से तो भाई चलाऊंगा तो बहुत गंदा एवरेज देगी बाइक, इतना गंदा देगी, इतना गंदा देगी भाई, बहुत गंदा, क्या बताएं। लेकिन रस राइड भी नहीं करनी चाहिए यार ज़्यादा, थोड़ा बहुत कर लो एंड बस, थोड़ा बहुत भी नहीं यार, मैं तुझे कहता हूँ रस राइड करो ही मत बिना गियर्स वगैरह। मेरे को भी लेने पड़ेंगे सब कुछ, यार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस, क्या कहें। भाई अभी पहुंच रहे हैं मथुरा, जाम से पता है लग ही रहा होगा आपको, यार पता नहीं कब निकलूंगा हाईवे पे, अभी तो मथुरा ही चल रहा है। जन्मभूमि के पास पहुंचने वाले हैं भाई, भाई निकालने दे, थोड़ा सा गैप दे दे बस थोड़ा सा। निकल जाएगी ये जन्मभूमि, काफ़ी देर के बाद मैं आ गया अपना हाईवे, तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं पहले, तो फिर चेक करते हैं इसका गियर टेस्ट। काफ़ी दिन हो गए इसके गियर चेक नहीं किए हमने, कौन सा गियर कितना जाता है, तो आज इसका चेक भी कर लेते हैं। अभी बस हाईवे पे पहुंच रहा हूँ, पीछे देख के, पीछे देख के। ओ सॉरी भाई, सॉरी। हाँ भैया भाई पैर उत्साह दिया होता है यार, पीछे लेते ही जा रहा था, कोई नहीं चलो ठीक है हो जाती है, देखा नहीं था बंदे ने। मैं पहले गियर में लिखाऊंगा इसकी, ठीक है पहले गियर में, दूसरे में आ गई, ये पहले में आ गई, ठीक है अब चलाते हैं इसको, इसका पहला गियर चेक करते हैं। 50 का है भाई, देख रहे हो भीड़, देख रहे हो बीच में से जगह, अगर होते नहीं मेरे संग के बंदे तो इसमें से निकालते।
मैं नहीं बनाता भाई ऐसा कंटेंट, मेरे को बनाना भी नहीं है भाई। अभी आ गया फैक्ट्री पर, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, तो चलते हैं अभी। अभी टाइम हो गया यार, मैं थोड़ी देर रुक गया था पानी पानी पीने के लिए। भाई धूप बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है भाई, इतनी ज़्यादा हवा लग रही है ना, बहुत गरम गरम हवा लग रही है, तो जल्दी से पहुँचते हैं यार। तो भाई अभी आ गए हम टोल टैक्स पे, और अभी यहाँ से आगरा 33 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे बाइक ऑटो और ट्रैक्टर फ्री होते हैं हमेशा। अभी आओ, कोई टोल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बस 33 किलोमीटर और चलना है हमको, आगरा पहुंच जाएंगे। तो भाई 33 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, ये देखो एक छोटा सा लीन पुल, ओ भाई ब्रेकर गाड़ी हिल गई पूरी, ये बहुत गलत दे रखा है भाई तुम लोगों ने, बर्बाद हो गई किसी दिन किसी को भी। तो भाई 5 किलोमीटर भी कवर कर लिया। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।